हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं 8:30। और बाप रे, मम्मी को शौक लगा। मैं मम्मी ना के तैयार हो गई है। गुड मॉर्निंग। मैं इतनी देर से रूम में थी, वीडियो एडिट कर रही थी उस दिन। ओके मम्मी हो गई नहा धो के तैयार, दादी बना रही अपने बाल बाथरूम में। मम्मी को शौक लगा है, मैं उठ के आ रही हूँ अचानक से, है ना। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना कि मैं सुबह उठूंगी। मैं कब से उठी थी, मैं बीच में आई थी, बट आप तभी माला फेर रहे थे। तो मम्मी पापा को गर्म पानी दे रही है सुबह सुबह। हाँ, आज नया वीडियो आ जाएगा 11 बजे, तो जाके देख लेना। बहुत एक्साइटिंग फन है। बाहर गए थे हम लोग, उसका वीडियो है, एडिटिंग हो गया है ऑलमोस्ट। और मैं बाहर गई थी, बट मम्मी और सिस्टर ने घर पे व्लॉग किया, जो मुझे पता नहीं था। काफी सरप्राइजिंग था। मैं और नियारी का डेट पे गए थे। हाँ, और वो ये सब चीजें मुझे नहीं पता था। मैं तो बाहर थी पापा के साथ, पीछे से इन लोग का प्लानिंग हुआ और ये लोग ने पूरा व्लॉग भी किया था। हम वो भी हमने क्लिप डाली है अंदर, तो जरूर देखना इन्होंने पीछे से क्या क्या। मुझे भी नहीं पता, जब मैं एडिटिंग करी थी तब मुझे पता चला। देखो अक्षरा के बनाना शेक बनाएंगे, ये बनाना शेक लेती है सुबह। हाँ, इसके लिए आप सोच रहे हैं कि क्या बांध रखा है सिर पे, क्योंकि मम्मी ने आज बाल धोए हैं। अभी खोल देते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। चलो अभी मैं फ्रेश हो जाऊंगी, नहा धो के वीडियो अपलोड कर देंगे, फिर घर के काम में थोड़ी हेल्प करेंगे। बाय बाय बोल दो। बाय। मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं पीऊंगी मेरा बनाना शेक। मेरा मैं सुबह नाश्ता नहीं करती, पर के कल ही मम्मी पापा नीचे से केले वगैरह लेकर आए, ताकि मैं बनाना शेक पी लूँ सुबह सुबह एटलीस्ट। तो कैल्शियम तो मेरे में बहुत ही कम है, क्योंकि मैं बस पूरे दिन चौक 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 के खाती रहती हूँ। मतलब पहले खाती थी जब मैं स्कूल में थी, तो मैं 11th 12th स्टैंडर्ड तक चौक ही खाती थी, फिर उसके बाद मैंने बंद किया चौक खाना, करके उससे पता चला मेरे में कैल्शियम की कमी है। बट अभी भी है, अब तो मैं खाती नहीं हूँ, पता है, बट अभी मैं खाती नहीं हूँ। बट यूट्यूब पे चौक तोड़ने के वीडियोस देखती रहती हूँ पूरे दिन, ASMR। बट अच्छा लगता है, माइंड रिलैक्सिंग लगता है, करके देखती हूँ मैं। अरे रहा मेरा चॉकलेट, सॉरी बनाना शेक। लेट्स ड्रिंक। वो कभी भी निकलना पड़ सकता है, इसलिए हम खाने की, नाश्ते की सुबह सुबह सारी तैयारी कर लेते हैं, जिससे कि वो क्या घर से बाहर जाए तो खाना नाश्ता पूरा खा के फिर जाए, जिससे क्या बाहर का कुछ भी ना खा सके। और इसी बहाने घर का भी क्या बोलते, सुबह सुबह सारा काम हो जाता, फिर पूरे दिन अपने हिसाब से आराम से निकालो। मतलब मैं मेरा मोबाइल पे, मेरे को पढ़ना है तो पढ़ लो, डांस करना है डांस करो, मम्मी को सोना है तो सो जाओ, या वो कोई क्या बोलते सीरियल वगैरह देखना है मोबाइल पे तो वो देख लो, तो एकदम आराम से काम हो जाता है पूरा दिन अपने हिसाब से। फिर आज का टिप्स, आलू उबालते टाइम 1 चम्मच नमक डालने से और पानी डालने से आलू फटेंगे नहीं कहीं से भी, और जल्दी से पक जाएंगे। अभी बज रहे हैं 12:15 और अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि आलू की सब्जी, आज मम्मी के लिए झोल वाली आलू की सब्जी, शेजवान चटनी, क्योंकि कल हम मंचूरियन लेकर आए थे बाहर से, तो उसकी एक्स्ट्रा शेजवान चटनी साथ में लेकर आए थे। टेस्टी होती है, मस्त वाली, बहुत टेस्टी होती है। तो वो छाछ और मेरी दाढ़ी रोटी, मम्मी की रोटी, और अभी हम खाएंगे डिनर। मुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद। डिनर नहीं, लंच, सॉरी लंच। हाँ, और आलू की सब्जी मम्मी के हाथ की बेस्ट है, मतलब मेरे सब दोस्तों के बीच में इतनी फेमस है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो जल्दी से कमेंट करो और शेयर करो, तो हम नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। और आज शाम को बहुत अच्छी रेसिपी शेयर होने वाली है, तो व्लॉग देखते रहना, है ना मास्टर शेफ। यस।
मम्मी पापा जा रहे हैं बाहर, बाय। शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। नौका की ना ढांसा ढांसा ना जल्दी आना। टूडल्स, लिफ्ट का वेट कर रहे हो? ठीक है, लिफ्ट भी दिखा देते हैं हमारे बिल्डिंग के आपको। बाय, फिर मिलेंगे। मम्मी पापा गए शॉपिंग करने के लिए और मुझे शॉप पे गए हैं किचन का काम, तो मुझे अभी ये सारी वेजिटेबल्स कट करके रखनी है क्योंकि आज रात को स्पेशल रेसिपी शेयर होने वाली है और इस कुकर की 2 सीटी लेनी है और उसके बाद मुझे बंद कर देना है। और बस अभी हम ये काम करेंगे, अभी बाद में मम्मी आने के बाद हम शूट करेंगे फटाफट। मैंने सारी काट दी है और कांदे काटने में 3 कांदे काटे, उसमें 10 बार में रो दी, बहुत तेज कांदे थे। तो सब्जियाँ सारी कट गई है, कुकर की सीटी आ गई है, बट ये बर्तन पोछने का कपड़ा गिल्ला था तो उसको सुखाने के लिए उसके ऊपर रख दिया है, तो वो थोड़ी देर में सूख जाएगा। और बाकी मेरे को जो काम दिया था वो सब हो गया और अब बाहर जो कपड़े सूखे हैं उनको अंदर लेके समेट के रखना है, जो सूख गए उनको अंदर लेना है, जो नहीं सूखे उनको पलटना है, तो वो सब काम करेंगे अभी। फिर बालों में तेल डालेंगे, डांस वगैरह करेंगे और फिर एंड ऑफ द डे। आज तो बिना बोले नहीं बोला वो मत खा वाला दे। मुझे 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 अरे ये नहीं, थैंक यू मम्मी। और ये पजामा लेकर आए मेरी शेपुरी यही। और अभी बज रहे हैं 5:30, नहीं कितने बज रहे पापा? अभी 6:30 हो रहे हैं। मैंने चश्मा नहीं लगा रखा करके मुझे दिख नहीं रहा कि कितना बज रहा है। और मैं अभी खाऊंगी शेपुरी यही। सोशल डिस्टेंसिंग, कम से आउट ऑफ माय रूम। ये लड़की, मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ, ये इस रूम में बैठी है, मुझे चिल्ला के पूछती है कि कितना बाकी है ताकि मेरा पहले खत्म हो जाए और इसका बाकी रह जाए, नहीं तो मेरा बाकी रह जाएगा तो फिर उस रूम में नहीं आ सकती ना लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट नहीं मैं आ गई हूं। नहीं खाते हैं, बट ऐसा है कि मेरा, मैं धीरे खाती हूँ तो उसमें से ये एक ले लेती है, इसके पेट में ना हजम नहीं होता जब तक मेरे हिस्से का नहीं खाती है। मुझे भी नहीं होता आज, तो मुझे भी नहीं होता। ग्रेवी बना रही हूँ, पहले लहसुन डाला है, अब ऑनियन डाला है। ऑनियन और लहसुन दोनों हल्के से ब्राउन होंगे, ब्राउन करने के लिए हल्का सा अपन नमक डाल देंगे जिससे कि ये जल्दी पके। बट ये कौन सी रेसिपी बन रही है ये तो बताइए। ये राजमा की ग्रेवी बन रही है, राजमा बना रहे हैं आज हम, राजमा चावल। यस, रेडी हो गए हैं प्याज, अब इसमें हम डाल देंगे मिर्ची, बीज के सही थोड़ा तीखापन आया। अच्छा, ये मिर्ची वैसे ज़्यादा तीखी नहीं है, हर में साइज और शेप में डिफरेंस लग रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको हम ग्रेवी बनाएंगे मिर्ची में पीस के। एग्जैक्टली, अब इसमें हम डाल सकते हैं चावल बना रहे हैं। चावल में ये नमक डाला 2 चम्मच, ये पकने को छोड़ दिया। और इसको आप भगोनी में क्यों कर रहे हो आज, कुकर में क्यों नहीं? कुकर में एकदम वो चावल का वो पानी नहीं निकलता तो ऐसे स्टिकी स्टिकी रहते हैं। हाँ। राइट, और कढ़ाई
भगोने में क्या होता है, उसका पानी निकाल देते तो एकदम खिले खिले रहते हैं। इसके लिए फिर हम खुले चावल ही बनाते हैं, इसको खुला चावल बोलते हैं। ये सारी पकी हुई सब्जी हमने मिक्सर में डाल दी है और अब इसको हम ग्रेवी बनाएंगे। राई के अंदर हमने ऑयल डाला है, राई और जीरा। अब ये हम छौंका लगा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मिर्ची और ये ग्रेवी बनाई जो है अच्छा कलर आएगा। ये देखिए बाकी का ये जो ग्रेवी है, अब इसको इतना अच्छा डाल देंगे। थोड़ा सा टेस्ट के लिए ये राजमा मसाला जैसा ही है डाल देंगे, थोड़ी सी मिर्ची और धनिया, ठंडा रहता है इसलिए थोड़ा हम ज़्यादा ही डालते हैं धनिया, थोड़ी सी हल्दी, इसको मिलाएंगे। इसमें हमने डाल दिया ये राजमा, इसमें क्या है ये राइस का पानी निकलेगा ना तो वो भी हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा राजमा एकदम अच्छा मस्त लगेगा, टेस्ट इतना अच्छा आ जाएगा राजमा का। इसमें अपन चावल का पानी डाल देंगे ना, क्योंकि चावल का पानी वेस्ट करके फेंक तो नहीं सकते, तो उसको ऐसे यूज कर लेंगे हम लोग, ये चावल निकाल लेंगे पानी इसमें डाल देंगे। और चावल का पानी बहुत बहुत पौष्टिक होता है, लाभदायक होता है। हाँ, इसके लिए हम चावल का पानी इसमें डालेंगे तो थोड़ा अच्छा मस्त हो जाएगा राजमा। ये देखिए ये राजमा हो गया, अब हमने ये राइस का पानी निकाला इसमें कुकर में, ये देखिए एकदम मस्त बन जाएगा, टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा इसका। राइस का पानी बहुत ताकतवर रहता है, जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं 3-4-5 महीने के, उनको राइस का पानी ठंडा करके और उसको पिलाएंगे ना तो वो बहुत हेल्दी रहेगा बच्चा और स्वस्थ रहेगा, कभी बीमारी उसके पास नहीं आएगी और पेट भी भरा रहेगा बच्चे का। आज के डिनर में ये राजमा और ये राइस।